हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं नीलिमा, आप देख रहे हैं नारी जीवन। आज का वीडियो है एक फ्लिपकार्ट हॉल, छोटा सा, सिर्फ एक ही प्रोडक्ट है, मैं उसको रिव्यू करना चाहती हूं। ये है एक वेजिटेबल कटर। बहुत दिन से मैं इसको देख रही थी, ख़रीदने के लिए सोच रही थी, पर ये मार्केट में काफ़ी महंगा मिल रहा है। मतलब इस पर भी MRP 1500 रुपये लिखी गई है, और बिग बाज़ार में मैंने 50% ऑफ में देखा था, फिर भी मुझे 800 रुपये का पड़ रहा था। बट ये प्रोडक्ट मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाया है। ये देखिए, वेजिटेबल एंड फ्रूट कटर है ये। ये मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाया और ये मुझे टैक्स के साथ पड़ा है 472 रुपये का, 472 का ये मुझे पड़ा है विथ टैक्स। सो चलिए इसको ओपन कर लेते हैं। इसका लिंक मैं आपको दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से चेक कर सकते हैं आप लोग। अदरवाइज ऐसे भी आप वेजिटेबल कटर डालिए जाके फ्लिपकार्ट पे, तो आपको बहुत सारे ऑप्शन दिख जाएंगे, उसमें से आप ले लीजिए। अब आपको मैं इसको निकाल के दिखा देती हूँ। ये देखिए, इस तरह की अटैचमेंट इसमें मुझे 4-5 और इसके अंदर भी है। ये देखिए, ये है, इसमें इस तरह से अटैचमेंट को निकाल सकते हैं और जो भी अटैचमेंट हमें इसमें लगानी है उसको लगा सकते हैं यहाँ पे इजीली। इसको बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, इसके जो एजेस होते हैं ना वो बहुत ही शार्प हैं, तो इसका ध्यान दीजिएगा धोते समय, सफाई के समय भी, और इसको निकालते और लगाते समय भी ध्यान देने की ज़रूरत होती है, क्योंकि इसके एजेस काफ़ी शार्प हैं। शार्प होंगे नहीं तो वेजिटेबल और फ्रूट को कट कैसे करेंगे, सिंपल सी बात है। और इसमें मुझे टोटल मिलते हैं 11 अटैचमेंट, ये 10 और एक इसके साथ, टोटल 11 अटैचमेंट आपको इस तरह की मिल जाती है, छोटी बड़ी। ये देखिए, ये सबसे बड़े साइज का है, फिर ये साइज है, फिर एकदम जो कुछ सब्जियां हमें छोटी छोटी काटनी पड़ती हैं उसके लिए छोटे साइज के भी हैं, फिर इसमें चिप्स वगैरह कट करने के लिए भी अटैचमेंट दिया गया है, लंबा लंबा कट करना है उसके लिए भी अटैचमेंट है, फिर ग्रिल करने के लिए भी अटैचमेंट दिया हुआ है इसमें, कोई ये फ्रूट्स वगैरह बड़े बड़े कट करते हैं उसके लिए है, बाकी ये सब नॉर्मल से रेतने के लिए, ग्रिल करने के लिए, चिप्स काटने के लिए अटैचमेंट है इसमें। मैं मैक्सिमम यही वाला यूज़ करती हूँ, क्योंकि नॉर्मल हम लोग लौकी वगैरह ही इसमें मैं कट करना पसंद करती हूँ, क्योंकि हम लोग दो ही लोग हैं, छोटी सी फैमिली है हमारी, तो इतनी सारी सब्जियां काटनी नहीं होती हैं, थोड़ी सी ही सब्ज़ी काटनी होती है, तो इतना अटैच करो फिर करो, तो मेरे लिए ये इतना यूज़फुल नहीं है। हाँ, मगर जिनके बड़े परिवार हैं उनके लिए ये बहुत ही यूज़फुल थिंग है, यूज़फुल चीज़ है, तो वो लोग ख़रीद लें, जिनको ढेर ढेर सारी सब्ज़ियाँ काटनी पड़ती हैं तो उनके लिए ये बहुत ही आसान सा तरीका हो जाता है। ये इस तरह से इसमें अटैच करके कोई भी, और फिर इसको इसमें यहाँ पे अटैच कर देना है, ये जो बॉक्स है इसी में आपकी वेजिटेबल कट के जाएंगे, फिर इसको इजीली इसको करके यहाँ से आप सब्जियों को निकाल लेंगे। ये हो गया, अब सब्जी को इस पे रखना है, इसको इस तरह दबा के दबाएंगे, जैसे ही आप दबाएंगे सब्जी कट जाएगी। इसके अलावा अगर कुछ सब्जी रह जाती है तो यहाँ से ये एक पुश का बटन दिया गया है, यहाँ से आप पुश करेंगे तो वो सब्जियाँ सारी नीचे चली जाएंगी। बस बहुत ही सिंपल है इसको यूज़ करना, बहुत ही यूज़फुल चीज़ लगी मुझे। और इसके साथ मुझे ये भी मिला हुआ है फ्री, इसके साथ पिलर है, मतलब ये छीलने के लिए है पिलर। सो इतने सारे प्रोडक्ट 500 के अंदर मिलना मतलब इम्पॉसिबल सा है, बट फ्लिपकार्ट पे ये मिल रहा है, तो आप इसे जाके ज़रूर चेकआउट कर लीजिए गाइस। ये स्पॉन्सर्ड बिल्कुल भी नहीं है ये वीडियो,
मैंने ये खुद के पैसे से मंगाया है और मैं अपना ये बिल्कुल भी सही जो मुझे लगा वो रिव्यू में दे रही हूँ। इस प्रोडक्ट को मैं देना चाहूँगी 5 में से 4 स्टार, एक इसके लिए कि ये थोड़ा सा अटैचमेंट में थोड़ा सा मुश्किल है और इसके एजेस शार्प हैं तो इसको बहुत ही केयरफुली यूज़ करना है, और इसको रखने के लिए कुछ अटैचमेंट तो आप इसके अंदर ही रख सकते हैं, सिर्फ 5 या 6 ही इसके अंदर आएंगे। बाकी अटैचमेंट के लिए मैं सजेस्ट करूँगी कि एक डब्बा ज़रूर आप अलग से रख लें, क्योंकि बाहर रखेंगे किसी का भी हाथ कट सकता है, जल्दी जल्दी में आपका ही हाथ कट सकता है। कोई लंबा सा डब्बा लें, उसमें खड़े करके रखें ताकि जो भी अटैचमेंट आपको निकालनी हो वो आप ईज़िली निकाल सकें और वापस से रख सकें। तो बस थोड़ा सा ध्यान देना है, बाकी ये आपके लाइफ को काफ़ी ईजी करने वाला प्रोडक्ट है, तो आप इसको ले सकती हैं, यूज़ कर सकती हैं, बहुत ही अच्छा है और चीप रेट में मिल रहा है। वीडियो इतनी ही थी, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। अपना और अपने बच्चों का, अपने परिवार का ध्यान रखिए, खुश रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।